हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया और आपने अपने वेरिफिकेशन पिन भी लगा दिए, तो अब आपको अपनी फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए अपना बैंक अकाउंट है वो गूगल एडसेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं तब हमसे एक कोड मांगा जाता है, उसका नाम है स्विफ्ट BIC कोड। नॉर्मली हम IFC कोड तो जानते हैं, लेकिन ये स्विफ्ट BIC कोड मांगते हैं तो ये अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था। तो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि ये है क्या। तो स्विफ्ट BIC कोड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए काम आता है। जब भी हम इंटरनेशनल से मनी कोई ट्रांसफ़र करते हैं तब ये कोड लगता है, और ये सभी ब्रांचों के अलग अलग कोड होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहले तो ऑनलाइन नहीं था, तो जिस बैंक का हमें स्विफ्ट BIC कोड चाहिए होता था, हमें उस बैंक जाना पड़ता था और लेके आना पड़ता था। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है, तो हम इसे ऑनलाइन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अपने मोबाइल में या फिर PC में जो आपके पास है आपको आ जाना है, और आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्विफ्ट BIC कोड फाइंडर, जिस तरह से मैं दिखा आपको स्क्रीन दिख रही होगी इस तरह से। उसके बाद जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, सेम टू सेम जिस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो ये दिख रही है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसे दिखेगा, तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करते हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे सीधा लिख भी सकते हो, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी सिटी चूज़ करनी है, तो मेरी तो सिटी बीकानेर है तो मैं बीकानेर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्विफ्ट BIC कोड आ जाएगा। आप देख सकते हो, जो हमारे यहाँ की जो बैंक है उसका जो मेन हेड ऑफिस बोलते हैं जिसको, वो न्यू दिल्ली है, तो उसका एक ही BIC कोड है, और वो हमारे सामने ये देखो दिख रहा है। इसको यहाँ से आप कॉपी करो, और कॉपी करके आप एडसेंस में ले जाकर वहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो ये है इसे फाइंड कर सकते हो एकदम ईजी तरीके से। और इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत हो, पिन में गूगल वेरिफिकेशन पिन में नहीं पहुंचा है, या फिर कुछ और दिक्कत हो, तो आप मुझे बता देना। उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, हमें लाइक करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। बस दोस्तों, आज का वीडियो तो मिलते हैं अगले वीडियो।